आपकी दोस्त नाया आज आपके लिए लेकर आई हूँ दांत खाज खुजली को दूर करने के कुछ उपाय। गर्मियों के मौसम में अक्सर पसीना आ जाने की वजह से हमारे शरीर पर काफ़ी खुजली होती है और देखा जाए तो ये सेम प्रॉब्लम हमें सर्दियों के मौसम में भी होती है। सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से खुश्की शरीर पर आ जाती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी खुजली होती है। लेकिन इस खुजली को दूर करने के लिए मैं आपको आज बताऊंगी कुछ अच्छी और इजी ट्रिक्स, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। टिप नंबर 1, साफ और धुले हुए कपड़े पहने। जी हाँ, एक दिन के कपड़े दोबारा पहनने की वजह से पसीना ज़्यादा आता है और हमारे शरीर के ऊपर खुजली वाले बैक्टीरिया ज़्यादा फैल जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने कपड़ों को धुला हुआ और साफ करके ही पहने। टिप नंबर 2, नीम के पत्ते, हरड़, बहेड़ा, लाल चंदन और अड़ेऊ के पत्तों को मिक्स करके एक पानी में भिगो कर रख लें। इस पानी के अंदर आप तिल्ली के तेल को ज़रूरत अनुसार मिला लें और इस पानी से स्नान करें। ऐसा करने से भी आपको शरीर की खुजली से आराम मिलेगा। टिप नंबर 3, खुजली को दूर करने के लिए आप दही का उपयोग भी कर सकते हैं। खट्टी दही को एक बर्तन के अंदर ओवरनाइट यानी कि पूरी रात भर ढककर रखें। सवेरे उठकर जब आप उस दही को देखेंगे तो उस दही का रंग हल्का नीले कलर का हो जाएगा। आप उस दही को उसी बर्तन में थोड़ा सा मथ लें और फिर उस दही का सेवन मलहम की तरह खुजली वाली जगह पर करें। ऐसा करने से आपको ठंडक मिलेगी, साथ ही साथ आराम भी मिलेगा। टिप नंबर 4, नीम की पत्तियों को दही के साथ मिक्स कर खुजली वाली जगह पर लगाने से भी आपको आराम मिलेगा। टिप नंबर 5, थोड़े से गर्म पानी के अंदर हल्की सी अजवाइन को चटनी की तरह पीस कर उस मलहम को खुजली वाली जगह पर लगाने से आपको आराम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खुजली को अपने आप से दूर कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त देती हूँ।